हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आप लोग जो है घर पे अच्छे होंगे। आज जो है मैं आप लोगों को लेसन 12 जिसका नाम बिट्टो क्लॉक है, समय से आगे चलो, जिसका हिंदी होता है, उसका जो है मैं क्वेश्चन सर बताने जा रहा हूँ। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है एंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, निम्नलिखित प्रश्नों का जो है उत्तर जो है उसे जो है आपको बहुत ही कम शब्दों में देना है, बहुत ही कम शब्दों में देना है। या तो उसको आप लोग एक लाइन में दे सकते हैं या उसको जो है एक वर्ड में भी दे सकते हैं। तो सेंटेंस के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से होता है कि आप उसका आंसर कितने शब्दों में दे सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है हाउ कैन वी अवॉइड वेस्टिंग टाइम, हम लोग जो है समय बर्बाद करने से कैसे बच सकते हैं। तो समय बर्बाद करने से जो हम कैसे बचेंगे, इसके लिए जो है हमें जो है एक जो है लिस्ट तैयार करना होगा कि हमें जो है कौन से काम पहले करना है, कौन से काम बाद में करना है। और हम जो है अपने एक जो है लिस्ट के अनुसार अगर हम काम करते हैं तो वह काम जो होगा फाइन अच्छे से हो भी जाएगा और वह जो है काम पूरा भी हो जाएगा। अगर हम जो है अगर इसके अकॉर्डिंग, यानी हम जो अपना चार्ट बनाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम काम नहीं कर पाते हैं, तो सब काम भी अगर हम काम भी पूरा मेहनत पूरा करते हैं लेकिन काम भी पूरा नहीं हो पाता है। इसीलिए हमें जो है एक चार्ट बनाना चाहिए और चार्ट के अनुसार ही हमें जो है वो काम करना होगा। एग्जाम्पल के तौर में आप देख सकते हैं स्कूल में आने पे आपको पता चलता है कि स्कूल में एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें जो है आपका एक प्रार्थना का है कि इस घंटे में ये टीचर पढ़ाएंगे, इस घंटे में जो है ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। यानी क्या हुआ, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द चार्ट के अनुसार जो है आपका जो है कौन सा क्लास भी चल जाता है और आप अच्छे से पढ़ भी पाते हैं। लेकिन वही चार्ट नहीं बना होता तो आपको क्या हुआ, आप कंफ्यूजन में ही रहते कि अब कौन से सब्जेक्ट है, कौन सा क्या पढ़ना है, क्या घर से लेके तैयारी करके चाहे, ये क्या हुआ, बहुत सारी जो है आपके पास समस्याएं होती है। लेकिन वही जो है एक चार्ट बना हुआ है, चार्ट के अनुसार जो है आप पढ़ाई करते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बाय प्रिपेयरिंग टू द लिस्ट, अब देखिए हमें जो है एक लिस्ट को तैयार करेंगे, ये क्या हुआ, बाय प्रिपेयरिंग टू डू लिस्ट, यानी जो काम करना है उसका हम एक लिस्ट बनाएंगे, कीपिंग अवर क्लटर्ड और अस्त व्यस्त चीजों को भी हम लोग क्या हुआ से मुक्त करेंगे। यानी जो सामान जो हम लोग इधर उधर रख देते हैं, जो जहाँ रखना है उसको हम लोग सुव्यवस्थित रखेंगे। नोट्स भी है, रफ कॉपी में है, उसको हमने अलग अलग कॉपी पे एक नोट्स बना दिया और उस कॉपी को क्या हुआ रख दिया, रफ कॉपी को इधर उधर उसको जो है हम लोग साइड में कर दिए ताकि हमको नोट्स में भी कोई सी प्रकार का दिक्कत न हो। इसे लिखे हैं बाय प्रिपेयरिंग टू डू लिस्ट एंड कीपिंग अवर क्लटर फ्री वी कैन अवॉइड वेस्टिंग टाइम, हम लोग यह है इस तरह से जो है समय बर्बाद करने से बच सकते हैं। दूसरा है व्हाई शुड वी कीप अवर टेबल क्लटर फ्री, हम लोगों को जो है मेज पे जो है अस्त व्यस्त चीजों को जो है अस्त व्यस्त चीजों को नहीं रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हम टेबल पे जो है अगर हम रखते हैं तो कोई भी सामान ढूंढने में जो है बहुत सारी जो है समय बर्बाद हो जाते हैं और समय से वो जो है हमें सामान भी मिल नहीं पाता है। इसीलिए जो है हमें जो है अस्त व्यस्त जो है टेबल पे रखने के पहले हमें क्या हुआ इसे जो है सही समय सही जगह पे हमें रखना चाहिए। टू अवॉइड डिस्टर्बेंस ऑफ फाइंडिंग थिंग्स, अब देखिए वस्तु को ढूंढने में जो हमें जो है डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। इस समय क्या हुआ डिस्टर्बेंस नहीं होता है, किसी वस्तु को ढूंढना पड़ा कि हमने यहाँ पे चार्ट हमने जो है एक तरफ से जो हमने नोट्स बनाया हुआ दूसरे जगह जो रफ कॉपी है पड़ा दे गया वहां से हमने क्या वो अपना जो नोट्स निकालना था वो निकाल दिया और वही जो एक में रखकर भी ढूंढते जाएंगे समय भी बर्बाद होगा। तो समय बर्बादी से बचने के लिए जो है हमें जो है टेबल पर रहने के बाद टेबल मेज पे जो है अस्त व्यस्त नहीं रखनी चाहिए। व्हाट स्टेप शुड वी टेक टू डू मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फर्स्ट, अब कौन सा जो है स्टेप है, कौन सी चरण है जिससे आपको पता चलता है कि आपको जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट की महत्वपूर्ण चीज कौन सी है। तो टू डू इम्पोर्टेंट थिंग्स, अब देखिए टू डू इम्पोर्टेंट थिंग्स, अब देखिए महत्वपूर्ण चीजों के लिए फर्स्ट में क्या वी शुड मेक ए लिस्ट, हमें जो है अपना एक जो है लिस्ट बनाना होगा, हमें एक जो है अपना एक
चार्ट बनाना होगा वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, मतलब सबसे पहले कौन सी जरूरी काम है उस काम को हम पहले करेंगे, उसके बाद से जो है उसके बाद से हम क्रम से उसको काम करते जाएंगे। एग्जाम्पल में देखिए, स्कूल में आते हैं तो सबसे पहले कौन सा काम होता है, प्रार्थना होगा, प्रार्थना के बाद से अटेंडेंस होता है, उसके बाद से जो है गणती जो होती है अपने क्रम से होती रहती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू डू इम्पोर्टेंट थिंग्स फर्स्ट, वी शुड मेक फर्स्ट लिस्ट आवर वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, यानी आपको जो है जो काम जरूरी है उसको हम लोग पहले करेंगे, क्योंकि स्कूल में आए हुए हैं तो उसका अटेंडेंस पहले बन जाता है, तो अटेंडेंस बन जाता है तो इसका ये नहीं है अगर कोई छुट्टी लेके भी जाता है या कोई चला भी जाता है तो उसका अटेंडेंस तो बना हुआ है। तो इसीलिए जो है हमें जो है एक जो है चार्ट बनाना चाहिए, चार्ट के सहारे ही क्या हुआ हमें जो उस काम को करना चाहिए, जो जरूरी काम है उसको हम लोग पहले करना चाहिए, उसके बाद से जो है उस काम को करना चाहिए। तो आज के लिए जो है इतना ही, अगले दिन जो है मैं आप लोग को इस लेसन का जो है B2-1 राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अब देखिए निम्नलिखित यहाँ पे कथन दिए हुए हैं, जो सही है वहां पे हम ट्रू होगा तो यहाँ पे टी का यूज करेंगे, और जो गलत होगा यानी फॉल्स होगा वहां पे हम एफ का यूज करेंगे। इसे जो है आप भी बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं हो पाएगा तो हम तो अगले वीडियो के माध्यम से मैं इसको बताऊंगा।